यहाँ पर मिट्टी का शहर है, चूड़ियों की दुकान मशहूर है, इधर कपड़ों की दुकान मशहूर है। जो फैंसी बैंगल्स रहते वो ज़्यादा बिकते हैं, कपड़े फैंसी में चलते हैं, गुजरी वर्क, ब्रोकेट, प्योर ब्रोकेट, बनारस ब्रोकेट ऐसा चलता है। यहाँ पर अमेरिका वाले ज़्यादा आते हैं, कपड़ा लेकर जाते हैं, जो जो नए मालूम चांद मीनार में आते हैं, देखते हैं, जाते हैं। यहाँ पर पूरे सोने के दुकानें डील्स होता है, जो लाकर बेचते और रखा के जाते। मिट्टी का शेर, नोन एज मड टाइगर इन उर्दू, इज द फेमस लैंडमार्क ऑफ ओल्ड सिटी हैदराबाद। द निजाम्स इंस्टॉल्ड दिस आइडल ऑफ टाइगर ड्यूरिंग देयर रेन एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द लोकेलिटी। अमॉन्ग दीज नैरो लेन्स देयर आर पीपल मेकिंग ऑर्नामेंट्स। Most of these workers came to Hyderabad from different states of India, especially Rajasthan. They are living and working here since 30 years. These workers make different kind of handicrafts and ornaments which are ordered by the major shops in Charminar. And they even make ornaments on personal orders. ये हमारा 30 साल से काम चल रहा है, 25-30 साल हो गया काम में लगे। चूड़ियां लाख से बनाते हैं, लाख से बनाते हैं चूड़ी। सिल्वर का आता है तार, उसमें लगा के लाख बना के फिर बनाते हैं। पहले लाख बनाते हैं, उसके बाद लाख गलाते हैं, उसको अंगार पे पकाते, पकाने के बाद फिर चूड़ी बनाते, चूड़ी बनाने के बाद फिर उसको नग आता, नग स्टोन, स्टोन लगाने लेडीज़ के, लेडीज़ को देते, उन्हें लगा के ले जाते हैं, फिर उनको जो भी है उनका पकड़ दे देते हैं। एक चूड़ी में 2 घंटे लगते हैं। क्या बोले? काम तो हमारे भाई वगैरह बड़े वाले तो सब खानदानी काम हमारा, घर में काम होता था कि टाइम जो 3-4 काम है, अलग अलग काम होता है, एक साथ एक चूड़ी एकदम नहीं बन जाता। During the night, the market over there looks alive with the Charminar as the center of attraction. Unfortunately, with the influx of immigrants in the area which covers this landmark, and only the long-time residents are aware of this. These people are the one because of whom the traditional design still exists in the market of Charminar. There are lots of shops surrounding Charminar with this area in it as the major workplace. मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ मूल रूप से, हैदराबाद में 30 साल से। तो मैं दिखाता हूँ आपको, एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये एक नेकलेस है, बहुत ट्रेडिशनल आइटम है ये, मैं इसी की प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। इसमें एक नेकलेस को 1 वीक लग जाता है। देखो, हम लोग ज़्यादा ट्रेडिशनल ज्वेलरी बनाते हैं, ये फैंसी ज्वेलरी नहीं, ट्रेडिशनल ज्वेलरी बनाते हैं हम लोग। तो वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी बनाने वाले कारीगर बहुत कम हैं, जो पुराने लोग हैं ना वो ही ट्रेडिशनल ज्वेलरी बनाते हैं। आजकल के बच्चे उस काम को जानते नहीं। बट How long is the tradition going to survive like this is the major question. A lot has to be done for these people. But if the situation is there from 30-40 years, then how much more time it is going to take to make this place better?